हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बैंकिंग आईक्यू। और बैंकिंग आईक्यू में आज हम लोग बात करेंगे 10 मार्च 2019 के सारे करंट अफेयर। ये वीडियो होगा हिंदी में। और आज इससे पहले मैंने आरआरबी एनटीपीसी रेलवे एग्ज़ाम के लिए आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पे एक वीडियो अपलोड किया है जीएस सेक्शन में। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप यहाँ से ज़रूर देखें। और मेरा नाम है कुमार गौरव। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। सो आज का पहला सवाल है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ADB साइंड अ $26 मिलियन लोन अग्रीमेंट फॉर एडिशनल फिनांसिंग ऑफ अर्बन प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ADP के साथ एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है, और ये लोन अग्रीमेंट है $26 मिलियन का, ओके। और ये एडिशनल फिनांस करेगा अर्बन प्रोजेक्ट्स को असम में, ओके। ये करेगा असम में, और ADP का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। और ADP के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं ताके हिको नकाओ, और असम की कैपिटल है दिसपुर, CM है सर्वानंद सोनोवाल, और असम के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी, जो कि अब गवर्नर हैं मिजोरम के भी, ओके। उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है मिजोरम के गवर्नर के तौर पर, और पहले मिजोरम के गवर्नर थे कुमानम राजशेखरन, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। हु टू चेयर द वर्किंग ग्रुप फॉर्म्ड बाई IRDAI एंड NHA फॉर कर्विंग फ्रॉड इन आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना में फ्रॉड को रोकने के लिए IRDAI और NHA ने मिलकर एक ग्रुप का गठन किया है, ठीक है। तो इस वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन कौन होंगे? तो इस वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन होंगे दिनेश अरोरा, और IRDAI का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और NHA का फुल फॉर्म होता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ओके। और दिनेश अरोरा जो है ये डेप्यूटी सीईओ हैं NHA के, तो आप याद रखेंगे। और IRDAI के चेयरमैन है सुभाष चंद्र कुंतिया। और आयुष्मान भारत योजना ये रांची झारखंड में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये लॉन्च किया गया था 23 सितंबर 2018 को, और ये दुनिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर स्कीम है, तो आप याद रखेंगे। और सुनील अरोरा ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और राजीव कुमार ये वाइस चेयरमैन हैं नीति आयोग के। विच एयरपोर्ट वॉन द एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड फॉर 2018? तो कौन से एयरपोर्ट को अभी एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड से नवाजा गया है 2018 के लिए, ओके। तो ये एयरपोर्ट है भुवनेश्वर का बीजू पटनायक एयरपोर्ट, और बीजू पटनायक ये उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, ओके, उनके पिताजी हैं, थे, और भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। और बेंगलुरु में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और गाजियाबाद का जो एयरपोर्ट है हिंडौन एयरपोर्ट, जो कि पहले इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यूज किया जाता था, अभी भी यूज किया जाएगा, बट इसमें एक सिविल और कमर्शियल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो आप याद रखेंगे। हु इज़ अपॉइंटेड एज चीफ साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ साइंटिस्ट के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है? तो ये चीफ साइंटिस्ट बनी है सौम्या स्वामीनाथन, ये भारतीय हैं, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं, ओके। और अब ये चीफ साइंटिस्ट भी होंगे, और डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हैं डॉक्टर टेड्रोस एधनॉम, ये इथोपिया के हैं, और इथोपिया की राजधानी एडिस अबाबा, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और गीता गोपीनाथ ये चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ हैं क्रिस्टीन लगार्ड, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना फ्री मिल्क स्कीम फॉर आंगनवाड़ी चिल्ड्रन वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, और इस योजना के तहत बच्चों को फ्री में दूध दिया जाएगा, मतलब दूध पिलाया जाएगा हर एक आंगनवाड़ी सेंटर पे, ओके। तो ये कौन से राज्य में ये स्कीम लॉन्च की गई है? तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में, ओके। और जलमृथा एक स्कीम है, ये लॉन्च किया गया है कर्नाटका में, तो आप याद रखेंगे। और ये जो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना है ये लॉन्च किया गया था उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा, ओके, तो यू शुड नो। और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। हु इज़ अपॉइंटेड एज चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो चांसलर बने हैं हसमुख अधिया, ये फॉर्मर फिनांस सेक्रेटरी हैं भारत के, और ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो आप याद रखेंगे। और नितिन पटेल ये गुजरात के डेप्यूटी CM है, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, और गुजरात के CM है विजय रूपानी, प्रकाश जावड़ेकर MHRD मिनिस्टर हैं। यूनियन कैबिनेट हैड अप्रूव्ड द MOU ऑन कैंसर रिसर्च इनिशिएटिव विथ विच कंट्री? तो यूनियन कैबिनेट ने अभी एक MOU को मंजूरी दे दी है, ठीक है। MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ये कैंसर रिसर्च इनिशिएटिव को लेके मंजूरी दी गई है, ये MOU साइन हुआ था
तो भारत ने ये एमओयू किसके साथ साइन किया था? तो भारत ने कैंसर रिसर्च इनिशिएटिव पे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर किया था यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ। और यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल है लंदन, और यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं थेरेसा मे, और यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। यूनियन कैबिनेट हैड अप्रूव द सेटअप ऑफ किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। तो यूनियन कैबिनेट ने, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ओके, तो एक मंजूरी दी है किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को। तो ये कौन से राज्य में है? तो ये राज्य है जम्मू कश्मीर। ओके, किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में, कैपिटल है श्रीनगर, और गवर्नर है यहाँ के सत्यपाल मलिक, और जम्मू कश्मीर में है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ओके, और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो कि है हेमिस नेशनल पार्क, ये भी है जम्मू कश्मीर में, ये लेह में है वैसे, ठीक है। और सलीम अली नेशनल पार्क भी है, तो आप याद रखेंगे। हु इज़ अपॉइंटेड न्यू फिनांस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो भारत के नए फिनांस सेक्रेटरी कौन बने हैं? वित्त सचिव जिनको कहा जाता है, और जो 1 रुपये का नोट होता है इस पर फिनांस सेक्रेटरी का ही सिग्नेचर होता है, तो आप याद रखेंगे। 1 रुपये को छोड़ के बाकी सारे जो डिनोमिनेशन के करेंसी नोट है उन पे RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, बट 1 रुपये के नोट पे फिनांस सेक्रेटरी का हस्ताक्षर होता है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है बैंकिंग में। ओके, तो नए वित्त सचिव बने हैं भारत के सुभाष चंद गर्ग, ओके, SC गर्ग, और ये पहले इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी थे, और इन्होंने जगह लिया है अजय नारायण झा का, जो कि 15वें फिनांस कमीशन के अब मेंबर बना दिए गए हैं, और 15वें फिनांस कमीशन के अध्यक्ष हैं NK सिंह, और संजीव रंजन ये सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ में। ओके, जो मिनिस्टर हैं वो हैं नितिन गडकरी, और नरेंद्र नाथ सिन्हा ये चेयरमैन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। तमिलनाडु CM रोड टू PM मोदी रिक्वेस्टिंग द सेंटर टू कन्फर फॉर द नेशन हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर डैश ऑन विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान। तो तमिलनाडु के जो CM है ADVK पलनी स्वामी, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है और रिक्वेस्ट किया है कि जो भारत की जो सरकार है वो भारत का सबसे बड़ा, सबसे जो हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है वो दिया जाए विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को। ओके, अभिनंदन वर्तमान जिन्होंने पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान को गिरा दिया था, और फिर ये उसके पीछे पीछे POK भी चले गए थे, और 48 घंटे में वहाँ से वापस आए। ओके, और ये तमिलनाडु के ही हैं अभिनंदन वर्तमान। ओके, तो ये जो नेशन का यानी भारत का सबसे हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर होता है ये है परमवीर चक्र। ओके, व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन डायरेक्टर हु रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। तो व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है बिल साइन, और ये अब एडवाइजर की तरह तौर पे काम करेंगे प्रेसिडेंट के। ओके, यानी डोनाल्ड ट्रंप के इन द प्रेसिडेंशियल रन ऑफ 2020। ओके, 2020 में US प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है, तो उसमें ये एडवाइजर होंगे, और इस कारण से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और पैट्रिक स्नाहन ये एक्टिंग डिफेंस सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड स्टेट के, और जेम्स मैटिस जो डिफेंस सेक्रेटरी थे यूनाइटेड स्टेट के, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, तो याद रखेंगे। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पोम्पियो, और जॉन बोल्टन NSA हैं। ओके, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं यूनाइटेड स्टेट के। OECD हैज़ रिड्यूस द वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द ईयर 2019 फ्रॉम 3.5% टू। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, इसने जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है इसको 3.5% से कम करके कितना परसेंट कर दिया है 2019 के लिए? तो ये कम करके कर दिया है 3.3%। ओके, 3.3%। विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट डोमेस्टिक बैंक टू लिंक द इंटरेस्ट रेट इट ऑफर्स ऑन सेविंग अकाउंट डिपॉजिट टू एन एक्सटर्नल बेंच मार्क द RBI रेपो रेट। तो कौन सा भारत का बैंक है डोमेस्टिक, ओके, जिसने जो इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट पे दिया जाता था अब उसको एक्सटर्नल बेंच मार्क से लिंक कर दिया गया है, और ये जो एक्सटर्नल बेंच मार्क है वो RBI का रेपो रेट को ही बना दिया है इसने। तो ये बैंक है SBI। ओके, SBI ने, जो कि भारत का सबसे बड़ा लेंडर है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ओके, और RBI का जो रेपो रेट है, ओके, रेपो रेट वो होता है जिस द इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक, जो बैंक लोन लेती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वो जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको रेपो रेट कहते हैं, और अभी रेपो रेट है 6.25%। ओके, और रिवर्स रेपो रेट है 6%। ओके, तो आप याद रखेंगे। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई, और चेयरमैन है रजनीश कुमार। द इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन फैसिलिटी ऑफ NASA इन वेस्ट वर्जीनिया इज नेम्ड आफ्टर।
तो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन फैसिलिटी जो कि नासा की है और ये स्थित है वेस्ट वर्जीनिया में, ये अब किसके नाम पे रखा गया है? तो ये अब जाना जाएगा कैथरीन जॉनसन के नाम पे। ओके, कैथरीन जॉनसन के नाम से जाना जाएगा। और कैथरीन, ये जो नाम रखने की ये जो मुहिम है, ये नासा ने वो इंटरनेशनल वीमेंस डे के ओकेज़न पे रखा है। ओके, एक तरह से इनको सम्मान दिया गया है। ओके, और इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है 8 मार्च को, और नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर दून मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट? तो ये जो रोपवे प्रोजेक्ट है ये देहरादून और मसूरी के बीच है। ओके, तो इसका शिलान्यास किसने किया है? तो ये 300 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है। ओके, और इसका शिलान्यास किया गया था देहरादून उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। त्रिवेंद्र सिंह रावत और मसूरी और देहरादून, ये दो, देहरादून तो कैपिटल है उत्तराखंड की और मसूरी एक फेमस हिल स्टेशन है। ओके, तो आप याद रखेंगे। हु बिकेम इंडिया 61st चेस ग्रैंड मास्टर? तो भारत के 61वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं 16 साल के इनियन पनीर सेल्वम। इनियन पनीर सेल्वम ये तमिलनाडु के हैं और ये महज 16 साल के हैं, तो आप याद रखेंगे। और जो चेस की रेगुलेटिंग बॉडी है वर्ल्ड चेस की, वो है फिडे, और फिडे का हेडक्वार्टर है एथेंस, और एथेंस कैपिटल है ग्रीस की। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनवील्ड युवा श्री अर्पण स्कीम? तो युवा श्री अर्पण स्कीम कौन से राज्य सरकार ने अभी लॉन्च किया है? तो इसका अनावरण किया गया है वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा, वेस्ट बंगाल की राज्य सरकार ने किया है। और यह बेसिकली स्टार्टअप प्रोजेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट का, और इसमें एंटरप्रेनर्स को 1 लाख रुपए तक का फंड दिया जाएगा। ओके, और वेस्ट बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी, तो इन्होंने ही ये स्कीम को लॉन्च किया है। ओके, और गवर्नर है केसरीनाथ त्रिपाठी, और वेस्ट बंगाल में सिंगालीला नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा, ओके, एंड बक्सा टाइगर रिजर्व। थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट इनोवेट फॉर चेंज इज द थीम ऑफ? तो थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट और एंड इनोवेट फॉर चेंज, ये थीम है इंटरनेशनल वीमेंस डे 2019 का। ये 2019 इंटरनेशनल वीमेंस डे का थीम है, और वीमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च को, तो आप याद रखेंगे। वीरेंद्र कटारिया पास्ट अवे एट द एज ऑफ 88 ईयर, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो वीरेंद्र कटारिया, इनका निधन हो गया है और ये 88 साल के थे, तो ये कौन से फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं? तो ये पॉलिटिशियन थे, ये पॉलिटिशियन थे, और वीरेंद्र कटारिया ये कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे, और वीरेंद्र कटारिया एलजी भी रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं पुडुचेरी के, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। ओके, तो आप याद रखेंगे। और पुडुचेरी में ही एक डिस्ट्रिक्ट है माहे, ओके, ये इंडिया का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज, तो आप याद रखेंगे। तो ये था आज का करेंट अफेयर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे।